हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी बता रही हूँ, अगर आपके घर में जो गेस्ट आते हैं, आप उनके आगे इस तरह की कोई भी रेसिपी या इस तरह की कोई भी डिश अगर उनके आगे सर्व करते हैं, तो वो सब बहुत ही खुश होंगे और आपसे इसका राज भी जानेंगे कि आप लोगों ने ये कैसे बनाई है। और ये बनने के बाद बहुत ही टेस्टी भी लगती है और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची बनती है, जो कि उन लोगों को बहुत ही पसंद आएगी और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखते हैं इसकी रेसिपी कैसे है। ये मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें मैं 2 कप मैदा डालूंगी। आप मैदा जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह से आपने बनानी है। कम बनानी है तो कम ले लीजिए, 1 कप ले लीजिए। अगर ज़्यादा बनानी है तो 2 कप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 कप लिए हैं और उसमें मैंने 4 चम्मच जो है ऑयल डाला है। और इसमें आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिला लेना है इसको। देखिए, इसको हम लोग जो है हाथ से एक बार उठा के और इसको बाइंड करके देखेंगे। देखिए, जैसे ये मैदा जो है बाइंड हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इसमें घी डाला है वो भी एकदम एग्जैक्ट है और हर चीज़ जो है सही है इसमें। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। इसमें एकदम से पानी नहीं डालना है क्योंकि मैदा जो होता है बहुत जल्दी पतला भी हो जाता है, तो हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके बनाना है और एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ढीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा टाइट करना है। ये नॉर्मल इतना होना चाहिए कि आराम से जब हम इसको बेलें तो ये आराम से, ना तो चिपके चकले के साथ या जिस पे भी आप लोग बेलना चाहते हो उस पे, तो इतना सॉफ्ट होना चाहिए। और इसको हम लोग 10 मिनट जो है ढक के रख देंगे, जब तक इसकी फिलिंग का काम करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं 4 और उनको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया। बॉयल्ड आलू हैं ये, और इसमें मैंने 1 शिमला मिर्च डाली है जो कि बिल्कुल महीन, बिल्कुल बारीक बारीक काट ली थी मैंने। इसमें आप अपने हिसाब से भी सब्जियों को डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे 1 गाजर जो है कद्दूकस करके ली है और मैं पनीर भी डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा मैंने पनीर कद्दूकस करके डाला है। और 1 चम्मच मैंने अदरक डाली है और 2 जो है हरी मिर्च, छोटी छोटी हरी मिर्च डाली है। आप इसमें अपने हिसाब से, अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप लहसुन भी डाल सकते हो। और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ आधी चम्मच, आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है और गरम मसाला डाला है। ये सब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। थोड़ी सा मैंने अमचूर डाला है, धनिया पाउडर डाला है और मैं 2 चम्मच जो है इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें अरारोट का, अरारोट आता है वो डाल सकते हो, या ब्रेड क्रम्स डाल सकते हो, चूरा करके ब्रेड का वो भी डाल सकते हो। और इसको अच्छी तरह से जो है मैश करके अच्छी तरह से मिला लेना। इसमें आप अपने हिसाब से और भी सब्जी ऐड कर सकते हो, जैसे इसमें बंद गोभी डाल सकते हो या मटर डाल सकते हो, आप अपनी इच्छा से कोई भी सब्जी डाल सकते हो। देखिए, मैदे को भी 10-15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हाथ में जरा सा घी लेके इसको अच्छी तरह से हम लोग एक सॉफ्ट सा डो कर लेते हैं, अच्छी तरह से मल लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको 2 तरह से बनाना सिखा रही हूं। ये पहली तरह का बनाना बता रही हूं। पहले छोटी सी पेड़ी हाथ में लेके इसको बेल लेंगे, जैसे कि हम लोग एक पूड़ी को बेलते हैं। मैदा तो ये थोड़ी पतला ही बेलना है मैदा, क्योंकि जब भी हम उठाते हैं तो वो वापस थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पतला कर लेना। और देखिए, मैंने इस तरह से इसमें छुरी से
मैं लाइनें लगा रही हूँ, आप देखिए ऊपर से आधा छोड़ के, आधे से थोड़ा कम छोड़ के, और नीचे से भी जो कट जो है नीचे तक नहीं जाना चाहिए। नीचे की जो बाउंड्री है वो पूरी ऐसी ही होनी चाहिए, सिर्फ ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे पतले पतले कट्स लगाने हैं। बिल्कुल आसानी से आराम से बन जाएगी। और ऊपर का पोर्शन जो हमने छोड़ा है उसमें हम थोड़ा सा जो है आलू का जो फिलिंग है वो उसमें लेंगे हल्की हल्की, और इसको फोल्ड करने से पहले आप पानी लगा लेना ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए और तलते हुए आलू जो है बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आलू ये फट जाएगी और आलू बाहर आ जाएंगे तो सारा घी भी खराब हो जाएगा और छींटे भी पड़ते हैं घी के। फिर ऐसे देखिए इसको धीरे धीरे ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसको आपस में जो है जोड़ देंगे। अगर नहीं जोड़े तो हल्का सा पानी भी लगा लेना, वैसे ये आराम से हो जाता है। देखिए कितना शानदार बना है। अब दूसरी तरह से मैं बता रही हूँ, ऐसे ही एक पेड़ी ले लेनी है और इसको भी ऐसे ही जैसे पूरी बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे। ये भी बिल्कुल पतला बेलना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत प्यार से बना रही हूँ मैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी ही लगेगी ये, और खाने के बाद बहुत टेस्टी भी लगेगी। देखिए मैंने पूरी बेल ली है, अब इसको हमने जो है स्क्वेयर शेप दे देनी है, और जो ये साइडों का है मैदा कटा हुआ ये इसको दोबारा से इसकी पेड़ी बना लेंगे पूरे मैदे में मिला के। अब ये देखिए कट लगाना है सेंटर में से, एक साइड से कट और एक दूसरी साइड से कट। देखिए आप जैसे देख रहे हैं, लेकिन दोनों कट आपस में मिलने नहीं चाहिए, थोड़ी से गैप में लगाने हैं, और ऊपर की साइड जो है हमने जो आलू है वो रखने हैं, और ये साइडों में जो है पानी लगा लेना है हल्का हल्का ताकि जो मैदा जो है आसानी से चिपक जाए। ये देखिए इस तरह से। अब इस वाले कटिंग वाले हिस्से को उठा के हम उसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे। अगर आलू ज्यादा लगे तो मैदा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, तो आप हल्का सा खींच के उसको अच्छी तरह से सेट कर लें। अब बाकी हिस्से में हम लोग कट मारते हैं, जितने कट इधर मारने हैं उतने ही कट उधर भी देने हैं, एक से होने चाहिए। आप पतला या मोटा कट जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हो। देखिए पांच जो है स्ट्राइप्स इधर बनी है, पांच ही उधर बनी है। अब एक एक करके उठाएंगे इसके ऊपर से और साइड में ऐसे चिपकाते जाएंगे। अगर नहीं चिपके तो हल्का सा पानी लगा लें, और अगर पूरा नहीं पड़े तो हल्का सा खींच लें, क्योंकि मैदा जो है इकट्ठा हो जाता है बेलने के बाद, तो खींच के ये पूरा आपके वहां तक लग जाएगा। ऐसे एक के ऊपर एक पहले एक साइड से उठानी है फिर दूसरी साइड से उठानी है, एक के ऊपर एक लगाते जाना। ये देखिए इस तरह से बनने के बाद ये बहुत ही शानदार लगता है। साथ साथ पानी से आप चिपकाते जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बन जाएगा बिल्कुल। ये देखिए ऐसे पूरा एक तरह से एकदम से चिपक जाएगा। अच्छी तरह से चिपका देना है इसको ताकि ये कहीं से भी खुला ना रहे और फटे नहीं। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। बस ऐसे ही आपने सारे बना लेने हैं। मैंने दोनों तरह के आपको बताए हैं, जैसे आपको पसंद आए, दोनों तरह के बनाए तो दोनों तरह के भी बनाए। और इसको हमने घी जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम ही रखनी है, क्योंकि ये अंदर तक, अंदर से नहीं तो पक तो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, इसलिए थोड़ा कम गैस ही रखना है, स्लो पे ही रखना है, और इसको धीरे धीरे करके हम तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये कितनी शानदार लग रही है। अगर आप अपने घर में आए किसी भी मेहमान के आगे या कोई भी आपके घर में आता है तो उसको आप इस तरह से रखेंगे तो नेचुरल है, उसको बहुत पसंद आएंगे और वो आपसे इसकी रेसिपी भी जरूर पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया। ये देखिए ये बन गया, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितने क्रंची टाइप के लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी।
आप एक बार जरूर ट्राई करें घर पे। और अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें।